हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी बाकी वीडियो से, क्योंकि आज मैं एक फुटबॉल शूज का आपको रिव्यू देने लगा हूँ और इसका हम ग्राउंड टेस्ट भी करके देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे मुझे इसे परचेज किए 2 हफ्ते हो गए हैं और मैं इसे 2 हफ्ते से रेगुलर डालकर खेल रहा हूँ ताकि मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे सकूँ। तो ये फुटबॉल शूज मैंने डिकैथलॉन से लिया था, किपस्टार ब्रांड का, एजिलिटी 140। ये मैंने 1700 का परचेज किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये शूज इतने में वर्थ इट है या नहीं और ये किन टाइप के प्लेयर्स के लिए शूज बनाया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये किपस्टार ब्रांड ने शूज बनाए स्पेशली ड्राई ग्राउंड्स के लिए बनाया है जिनमें ग्रास नहीं होती या फिर ग्रास कम होती है। तो अब इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये पीयू मटेरियल से बना है, पीयू पॉलीयूरीथेन होता है। ये स्पेशली फुटबॉल शूज को बनाने में यूज होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है। मुझे पर्सनली इसका डिजाइन काफी पसंद आया क्योंकि ये एडिडास कोपा फुटबॉल शूज जैसा थोड़ा फील देता है। और जो इसका सबसे अच्छा पार्ट लगा वो मुझे लगा इंसोल। इसका इंसोल काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। जब आप रनिंग करते हो तो उस टाइम पे आपके जो उसमें प्रेशर पड़ता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब बात करते हैं इसके सोल पार्ट की। जो इसका सोल है, जो इसमें स्टड्स बनाए हैं, काफी ज्यादा छोटे बनाए जैसे कि आप देख सकते हो, और काफी ज्यादा बनाए हैं ताकि एक प्लेयर की एजिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। छोटे स्टड्स होने के बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी है, जो कि मैं आपको ग्राउंड टेस्ट के बाद बताऊंगा। और मुझे इसमें एक बहुत सही चीज लगी, जैसे आपको ये दिख रहा होगा छोटे छोटे पोर्स, ये जो छोटे पोर्स दिए गए हैं ये अगर आपका फुटबॉल शूज गिल्ला हो जाए तो उसको जल्दी सूखने में हेल्प करता है। तो अब हम ग्राउंड में जाके इसका ग्राउंड टेस्ट करेंगे और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये 1700 का वर्थ इट है या नहीं। जिस ग्राउंड में मैं आपको इसका ग्राउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा वो ग्राउंड ड्राई ग्राउंड तो नहीं है, बट वो काफी अनइवन ग्राउंड है जिसमें हमें इसका कंट्रोल, ग्रिप और बैलेंस पता लग जाएगा। तो जब मैंने ग्राउंड टेस्ट में वार्म अप परफॉर्म किया तो मुझे ये शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल लगा। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पैर अनकंफर्टेबल पोजीशन में है शूज़ के अंदर। बस बिल्कुल हल्की सी मुझे फिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम लगी। मुझे जॉगिंग करते टाइम थोड़ा ऐसा फील हुआ कि जैसे ये शूज़ हल्का हल्का पैर से निकल रहा है, बाकी मुझे जस्ट फील हुआ था बट शूज़ एक बार भी नहीं निकला। हो सकता है मुझे ही ऐसा फील हो रहा हो। अगर आपके पास भी सेम शूज़ है और अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी आपको ये खेलते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा।
इसके बाद जब मैंने लैडर वर्क परफॉर्म किया है इसकी स्पीड एंड एजिलिटी में परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्टेबल लगे मुझे। और इसकी ट्रैक्शन अच्छी होने के करके मुझे ग्रिप भी इसकी काफ़ी अच्छी लगी। लैडर वर्क करने के बाद मैंने इसका बॉल कंट्रोल एंड ड्रिबलिंग करके कंट्रोल टेस्ट किया, जिसमें मैंने बॉल मास्टरी, ड्रिबलिंग एंड थोड़ी फ्री स्टाइल परफॉर्म की और थोड़ा इसमें चेंज ऑफ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व किया, तो मुझे इन सब को करके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी तक मुझे इस शूज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ये जो ग्राउंड है ये थोड़ा रफ है, इसलिए इसमें जो इसकी ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी थी। तो अब हम शूटिंग करके चेक करेंगे कि स्टड की परफॉर्मेंस कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती शूटिंग के टाइम पे। चलो तो अभी मैंने आपको इसका ग्राउंड टेस्ट दिखाया और अपना रिव्यू दिया। अब मैं आपको अपना उस बेस पे रिव्यू दूंगा जो मैंने इसको 2 वीक्स डालकर खेला है और जो डिकैथलॉन क्लेम करता है। जो डिकैथलॉन क्लेम करता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। डिकैथलॉन कहता है कि जो ये फुटबॉल शूज उसने डिज़ाइन किया है ये ड्राई ग्राउंड्स के लिए डिज़ाइन किया है, ताकि उसमें इसकी ग्रिप, जिसको हम ट्रैक्शन भी बोलते हैं, वो अच्छी हो सके। और ये शूज़ वंस इन अ वीक खेलने के लिए डिज़ाइन किया है। और मेरा पर्सनल जेन्युइन रिव्यू ये है, जो ये फुटबॉल शूज़ है ये उन प्लेयर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो हफ्ते में 1 या 2 बार खेलते हैं और हाई इंटेंस गेम नहीं खेलते हैं, मतलब ज़्यादा भागते नहीं हैं।
चाहे फिर वो ग्रासी ग्राउंड में खेल रहे हों या फिर ड्राई ग्राउंड में। और मैं इन शूज़ को 2 वीक से रेगुलर डालकर खेल रहा हूँ ग्रासी ग्राउंड में, और मैं हाई इंटेंस गेम खेलता हूँ, तो जो फास्ट खेलते हैं उनके लिए ये शूज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बार फिसलते हैं अगर आप ग्रास में खेल रहे हो तो। बाकी आप अगर हफ्ते में 2 या 3 बार खेलते हो इस शूज़ को डाल के, चाहे वो ग्रासी ग्राउंड हो चाहे वो ड्राई ग्राउंड हो, तो ये 1700 का बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपको इसका रिव्यू अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा अगला ऐसा शूज़ है जिसका रिव्यू देखना चाहते हो। If you feel this video informative, hit the like button and share with your friends, and do subscribe to my channel, and also do follow me on Instagram, link given below in the description box. Thank you all, thank you for watching this video.